नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज सत्र का पहला दिन है। सदन के पहले दिन ही कांग्रेस आक्रामक दिखी। सत्र के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। कांग्रेसियों ने मांग की है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित होना चाहिए, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित सभी कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने विरोध करते हुए चिंता जताई कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है, हमारे विधायक सदन में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं लेकिन मंत्री हल्के तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सभी सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, कांग्रेस विधायकों के आरोप निराधार हैं। अग्रवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस के विधायक मूल प्रश्न के अतिरिक्त भी सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, सरकार गंभीर नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को, विभिन्न विषयों को, जनता के सवालों को सदन में उठाने का काम किया, लेकिन माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए। होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। ऐसे सवालों के जवाब आज देखने को मिले हैं और कहा जा रहा है कि सारी सूचनाएँ आपके घरों तक पहुँचा दी जाएंगी। ये आश्वासन इस बात के दिए जा रहे हैं कि हम आपको सूचना भेज देंगे। ये तो सदन का अपमान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि होमवर्क की बिल्कुल कमी है। होमवर्क है ही नहीं, तैयारी के साथ हमारे माननीय सदन, माननीय मंत्रीगण तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। ये जनता का अपमान है, प्रदेश की जनता का अपमान है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, लेकिन आज देखने को मिला है जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उन सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत हल्के ढंग से दिए हैं। उन न मर्यादाओं का आचरण, जो सदन की मर्यादा है उसको तार तार करने का काम किया है। निसंदेह यह सदन का दुर्भाग्य है कि आज के दिन हमें हमारे माननीय सदस्यों को सवालों से वंचित होना पड़ा है। जवाब में के सापेक्ष अनुपूरक पूछे जा रहे हैं, जो मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, चूँकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता माने विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछें तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया, उनको हम जवाब यथावत हम पहुँचाएंगे। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। भास्कर झुकझे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजू मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। विपक्ष इस बार पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है सर, सत्र का पहला दिन और उस पहले दिन में ही इतना हंगामा। क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, जिस तरह से आम बजट आज पेश होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने और सरकार ने एक नई पहल करते हुए जनता से, समाज के सभी वर्गों से उनके सुझाव आमंत्रित किए और सबसे मालूम किया गया, सबसे बोला गया कि आप बताएं कि बजट किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। तो सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और मैं सोचता हूँ अधिकतर सुझावों को जो समाज हित में, देश हित में होंगे, उनको इस
बजट के अंदर उनका समावेश किया जाएगा। और साथ ही जो हमारा बजट आज आने वाला है वो एक सर्वग्राही एक समावेशी बजट होने वाला है, जिसमें युवाओं के रोजगार का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, किसानों की आय कैसे हम लोग दोगुनी कर सकते हैं, और साथ ही पलायन को हम कैसे पूरी तरह से रोकने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए लगभग 41,000 करोड़ का ये बजट आज पेश होने जा रहा है लगभग। ठीक है, लेकिन गैरसैंण को लेकर विपक्ष ऐसे तैयार बैठा है आपको घेरने के लिए कि उनको लग रहा है कि आप गैरसैंण को गैर कर चुके हैं। 3 दिन से लगातार ये मुद्दा उठ रहा है सर, और आज भी सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने गैरसैंण के मसले पर ही प्रदर्शन किया कि आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर उसे बनाना था तो ये सत्र वहीं आयोजित होना था। पल्लवी जी देखिए, एक विषय को एक अनावश्यक टूल देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मैं सोचता हूँ जो सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार से यदि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के हित में इस बात का विचार करे कि इस समय चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, और अधिकारियों का ये कहना है, अधिकारी स्वयं बोल चुके हैं कि हम लोग जितना जो हमने अपना पूरा ध्यान इस समय चार धाम यात्रा पर केंद्रित किया हुआ है, यदि आप गैरसैंण में ये वाला सत्र आयोजित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान वहां से भटेगा, और सरकार का जो एक चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ने की एक प्रबल संभावना है। और मैं सोचता हूँ सत्र भी चलता रहे और चारधाम यात्रा भी सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे, ऐसा सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इस समय ये राजनीति करने का सार समय समय नहीं होता है, और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस के भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हर समय राजनीति करने का समय नहीं होता, कभी कभी कॉपरेट करने का भी मौका होता है, और सब लोगों को कॉपरेट करके आपस में मिलजुल कर ये सत्र चला लें और जनता के हितों का जो भी काम करना है वो मिलजुल कर कर लें। भास्कर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार मैडम, आपकी आवाज मिल रही है। भास्कर चुक जी, सत्र शुरू हुआ नहीं कि विपक्ष ने सत्र में विघ्न डालना शुरू कर दिया, गैरसैंण के मसले को इसी ही समय पर कितना खींचना है सर? 3 दिन से तो हम ही लगातार बहस कर रहे हैं गैरसैंण के मसले पर, और सरकार बार बार एक ही जवाब दे रही है। हाँ, असल में सरकार के पास इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है, और ये जवाब भी पूरी तरह फर्जी है। असल में मैं बहुत सम्मान करता हूँ हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक रैली में उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की थी इन शब्दों से कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और आगे हमारे भाजपा के साथी जानते होंगे, अच्छा मेरे बाप का। इनका तरीका ही यही है कि अपनी बात जो इन्होंने कह दी वो तो इनको जनहित में दिखाई देती है। संजीव जी बीच में मत बोलिए सर, आप अपने समय में शांति से आपकी हर कोई बात सुन रहा था ना जब आप बात कर रहे थे, अब एक एक रिएक्शन तो हम शांति से ले लें सर, पहले ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। चुक साहब, इनका कहना है कि चार धाम यात्रा की वजह से गैरसैंण में सफर नहीं कर रहे हैं, चार धाम यात्रा हर साल चलेगी, मैं कई बार कह चुका हूँ, और विपक्ष का धर्म है सही बात को उठाना। विपक्ष ने गैरसैंण की बात जो कही है, गैरसैंण का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने पूरा का पूरा डेवलप किया, राजधानी बनने के लिए उसकी पूरी तैयारी करवाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, और वहां 2-3 सत्र भी उन्होंने करवाए, 3-3 दिन के सत्र किए, जब पत्रकार जब तक वहां पहुंच पाते थे तब तक वो सत्र चूर खत्म हो जाए।
जाया करता था। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैर सैन में होना चाहिए था, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। चार धाम यात्रा भी सुचारू रूप से चलती और ग्रीष्मकालीन सत्र भी सुचारू रूप से चलता, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी थी। और इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी थी कि यदि 6 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है तो 6 महीने तक जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनके सारे के सारे हेड ऑफिस गैरसैंण से संचालित होने चाहिए थे। बात करते हैं आप रोजगार की बजट बनाने की, बात करते हैं आप महिला स्वरोजगार पर बजट बनाने की। सरकारी अस्पतालों के अंदर मरीजों को आज दवाई नहीं मिलती, उसके लिए बजट में क्या आपने व्यवस्था कर दी? सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जो मरीजों को दवाई लिखते हैं वो बाहर के। सर आज तो शुरू हुआ है बजट सत्र, आज तो शुरू हुआ है, एक ही दिन में आपको सब जानना है क्या? पहला ही दिन तो है सर बजट सत्र का। मैडम विधायिका का तरीका एक होता है कि जो सत्र शुरू होता है उससे संबंधित सारे विषय तमाम विधायकों को दे दिए जाते हैं, और जब विधायकों को उसमें जनता की जो मूल समस्याएं हैं वो नहीं दिखती तो उनको तो वो उठाएंगे ना। जब गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया तो वहां से संबंधित विभागों के उत्तराखंड के तमाम विभागों के हेड ऑफिस संचालित क्यों नहीं हो रहे हैं? वहां ग्रीष्मकालीन सत्र संचालित क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल उठाना किसका धर्म है? ये चाहते हैं चुप हो जाए, गैरसैंण का मुद्दा गौण हो जाए, लोग गैरसैंण की बात ही करना बंद कर दें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के क्षेत्र जिस नाम से जो चंद्रनगर गैरसैंण बनने वाला है राजधानी, उसको ये बनाना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। ये भाजपा का करैक्टर है, ये भाजपा का चरित्र है। कितनी मेरी पट्टी मेरी अच्छा मेरे बाप का, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में दोहरा रहा हूँ। चलिए, और इस समय हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अस्करी, आज किस तरह का सत्र के बाहर माहौल देखने को मिला है? सदन के बाहर काफी गहमा गहमी दिख रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसके बाद मैं राजू जी आपका रुख करूंगी, एक बार अपने संवाददाता से वहां के हालातों का जायजा ले लेते हैं। बताइए अस्करी जी। देखिए लवी, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था, 14 जून तक विधानसभा सत्र चलना है, आज चूंकि आगाज हुआ है तो जाहिर जिस दिन आगाज होता है उस दिन गहमा गहमी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें विपक्षी दल कांग्रेस की तो लगातार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत न किए जाने को लेकर लगातार नजर आ रहा है, और सुबह विधानसभा के बाहर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तमाम जो विधायक है कांग्रेस के उन्होंने धरना भी दिया था और एक जवाब तलब करने की कोशिश भी की गई है सत्ता पक्ष में। ये सवाल आज सदन में भी उठा है कि आखिर क्यों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र क्यों आहूत नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस पर मुखर नजर आ रहा है। खुद जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल लादी वो मौजूद रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे हैं, मोहन कापड़ी जो खटीमा से विधायक है वो मौजूद रहे हैं, कई जो विधायक है कांग्रेस के फरकान अहमद है वो भी मौजूद थे, ममता राकेश, तो कई जो विधायक थे कांग्रेस के लगातार उनकी मुखरता देखते ही बन रही थी, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत किए वहां पर जो है विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा, लेकिन वहां पर विधानसभा सत्र आहूत नहीं किया गया, जिसके चलते बेहद जो है गहमा गहमी देखने को मिली है। साथ ही आज विधानसभा सत्र के जिसकी पहला दिन था तो मिड सेशन से पहले दो मुद्दे ऐसे उठे हैं जिन पर लगातार जो है विपक्षी कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला है, जिसमें एक मुद्दा था जो मोहम्मद शहजाद है बसपा से विधायक है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाई प्रदेश में तमाम जो पिछले पदार्थ हैं, गोलियां हैं, इंजेक्शंस हैं, उनका जो है सप्लाई क्यों नहीं रुक पा रही है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं रुक पा रहा है, उस पर भी विपक्ष के साथ लामर नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें लगातार बेहद ने एक मुद्दा उठाया था कि उनके साथ इच्छा है एसएचओ ने जो है थानाध्यक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको लेकर भी लगातार जो है गहमा गहमी का दौर बना रहा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आज का पूरा दिन काफी हेक्टिक रहा और काफी जो है गहमा गहमी, लेकिन आज जैसे ही 4 बजे खुद संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने सदन में जो है बजट पेश किया है, 63,774 करोड़ का ये बजट जो है पेश किया है। ठीक है,
राजू मौर्य जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। वैसे तो सर आप सदन के अंदर है नहीं, लेकिन आपने पार्टी बनाई है वहां पर, एक राजनीतिक दल पर आपने अपना अस्तित्व वहां पर कहीं ना कहीं बनाकर रखा हुआ है एक राजनीतिक दल के तौर पर। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपकी पार्टी भी चाहती है कि काम हो, और सरकार से आपको उम्मीद है कि उन समस्याओं का निराकरण हो, उन मुद्दों पर सरकार बात करे और सदन के अंदर उन मुद्दों पर बहस भी हो? देखिए, उत्तराखंड राज्य बने 21 वर्षों से अधिक का समय हो गया है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही, वर्तमान सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, और जो ये सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर राज्य के लिए। जी जी जी, हर राज्य का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट। राजू जी माफी चाहूंगी सर, बस थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजू जी, सीधा आप ही का रुख करेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजधानी गैरसैंड का विषय उठ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा ये प्रथा ही गलत है। उत्तराखंड राज्य को एक और एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए। बिल्कुल, दो दो राजधानियों का बोझ उत्तराखंड के ऊपर अपने आप देखिए, पहले ही कम कर्ज में चल रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, पलायन अपने चरम पे है, तो क्या ऐसे में दो दो राजधानियां उत्तराखंड की होनी चाहिए? पहले तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। राजनीति या गैरसैंड पर के विषय पर केवल और केवल राजनीति करने के लिए दो दो राजधानियां बना देना, ये अपने आप में उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात सरकार की, तो सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो आने वाले वर्ष है, यानी चलो ठीक है एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन आने वाले वर्षों में चार धाम यात्रा किस प्रकार से सुरक्षित और सक्सेस, वो चीज ये किस तरह से संपूर्ण हो, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि हर साल बड़े हादसे होते हैं। और आप देखिए कि जो चार धाम यात्रा है, अगर हम तो सुझाव दे सकते हैं, हम तो सदन में भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि सरकार जो ये यात्रा है, चार धाम यात्रा है, 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है, इसको अगर पड़ाव में बांटे, अगर इसको कम से कम 20 पड़ाव में बांटे, तो कम से कम उत्तराखंड के 200 गांवों को रोजगार मिलेगा। और जो यात्रा जा भी जा, देखिए जो एक बात कही हमारे कांग्रेस के मित्र ने कि भाई अगर गैरसैंड दीर्घकालीन राजधानी है तो इनको यात्रा तो हर वर्ष होनी है, ऐसे तो सत्र कभी आयोजित ही नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर हम यात्रा को सुनियोजित कर दें, वहां जाम की समस्या खत्म हो जाए, अगर पड़ाव में बांट दें, तो निश्चित रूप से पड़ाव होने की वजह से ना तो जाम लगेगा, दुर्घटनाएं भी कम होंगी, और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो इस यात्रा के दौरान जो गांव पड़ते हैं, तमाम गांव पड़ते हैं, उन गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आशा तो हम यही करते हैं कि जो नई सरकार है वो इन आशयों पर काम करेगी, इससे पलायन भी रुकेगा और तमाम क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी तो यही आशा है, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि पहला बजट सत्र है, भले ही हंगामे की भेंट चढ़ा, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन ये सत्र जो होता है, ये जो हमारे राज्य के लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आशा भरी नजर से देखते हैं सरकार की तरफ कि इस बजट में उनके लिए कुछ होगा। अगर आप पेट्रोल के टैक्सेस में कोई राहत नहीं दे सकते, अगर आप डीजल के दामों में भी राहत नहीं दे सकते टैक्सेस कम करके, या अन्य कोई चीज नहीं, तो अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, और जो चार धाम यात्रा रीढ़ है उत्तराखंड की, इसको बेहतर बनाने के लिए सब मिलकर के अगर इस पर योजना बनाए, मास्टर प्लान लेकर के आए, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का भी भला होगा, रोजगार मिलेगा और साथ ही इनकी वाहवाही होगी सरकार में ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अस्करी, एक सवाल ये है कि भू कानून को लेकर भी इस बार विपक्ष ने अपनी अच्छी खासी रणनीति बनाई हुई है, कुछ अपडेट मिल पाई है कि किस तरीके से इस कानून को लेकर विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष को घेरने वाला है, क्योंकि चुनावों के समय में भी भू कानून एक बड़ा मसला रहा था। देखिए, अस्करी से मेरा ये सवाल है, मैं लौटूंगी राजू जी आपके पास, हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी लगातार बने हुए, उनसे मेरा ये सवाल था, बताइए अस्करी। देखिए पल्लवी, जिस तरह से लगातार भूमि सुधार कानून की बात करते आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी, अगर हम बात करें आज पहला दिन था विधानसभा सेशन का आगाज हुआ है आज, लेकिन आज सदन में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है
कि भूमि कानून पर जल्द ही कोई विधेयक जो है कोई विधेयक जो है वो सदन में रखा जाएगा। अभी कोई भी बात, कोई भी जो मसला है इस पर छिड़ा नहीं है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इसको लेकर मुखर नजर आ रहा है। लगातार चूंकि विपक्ष ने इसको लेकर तमाम अपना विरोध भी जताया था कि आखिर आज तक जो है पिछले 22 सालों में, क्योंकि युवा उत्तराखंड है, 22 सालों में उत्तराखंड में आज तक भूमि सुधार कानून क्यों लागू नहीं हो पाया है, या जो भूमि अध्यादेश है वो क्यों नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार लामबंद है, लेकिन अभी सदन की अगर हम बात करें, सदन में अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। पल्लवी, चलिए शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े, बाकी की जानकारी हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। संजीव जी आपका रुख कर लेते हैं, भास्कर जी ने भी कई सुझाव दिए, राजू जी ने भी कई सुझाव दिए, और चार धाम यात्रा का दो बार जिक्र हो आया सर कि आपको व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी, तब जाकर आप ग्रीष्मकालीन सत्र वहां गैरसैंण में आयोजित कर पाएंगे और साथ साथ चार धाम यात्रा भी चल पाएगी। ये कि विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है और अच्छा। इनके पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है, इस करके जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति ये लोग पैदा करने जा रहे हैं। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो कुछ बोला, मैं सोचता हूँ ये घोर निंदनीय, और इस तरह का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए पूरी तरह से एक सर्वविदित है, वो बहुत तोल मोल के बोलते थे और ऐसी अनर्गल बयानबाजी वो कभी भी किया नहीं करते थे। जिस तरह से आपने ये बोला, हाँ आपके हरीश रावत जी जिनका एक बिल्कुल एक रटा रटाया सा एक बयान हमेशा चला करता था, और हर बात के लिए जब भी कोई विषय आता था वो यही बोलते थे, खाता ना बही, जो हरीश रावत बोले वो सही। और साथ ही आप जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2-3 दिनों से आप लोग ईडी के दफ्तरों का, ईडी के अधिकारियों का और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन लोगों का आप लोग घेराव कर रहे हैं, क्या आप लोगों को उसका किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर विश्वास भरोसा है या नहीं, या गांधी परिवार के लिए देश का एक अलग कानून होगा और तमाम देश भर के लिए एक अलग कानून होगा, देश भर की जो जनता है उनके वो एक अलग परिधि में होगी और गांधी परिवार अलग परिधि में होगा, इस बात का भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं और बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, क्या अगर जिस तरह से 10.5 घंटे की कल उनसे जो पूछताछ हुई और उसमें तमाम चीजें निकल कर आई और कई सारी चीजों का वो स्पष्टता, सवालों का जवाब भी शायद नहीं दे पाए, तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस के ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है जिसमें वो अभी बेल पर है, और लगातार मैं सोचता हूँ कांग्रेस अपने को जब घिरता हुआ देख रही है तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के ऊपर ये इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। और मामला 5,000 करोड़ को बचाने का है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, चोर मचाए शोर वाली भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार भी करती है, गलत काम भी करती है और शोर मचाकर संवैधानिक संस्थाओं के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का भी ये लोग काम करते हैं। और साथ ही अभी मेरे मित्र राजू, संवैधानिक संस्थाओं पर वो कहाँ दबाव बना रहे हैं सर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रहे हैं। पल्लवी जी देखिए जिस तरह से ईडी के तमाम देश भर के जितने भी कार्यालय हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया,
उनके उनके ऊपर तालाबंदी करने का इन लोगों ने काम किया। मैं सोचता हूँ सरकारी काम में बाधा डालने का। चलिए ठीक है, वैसे ये नेशनल हेराल्ड केस का उत्तराखंड विधानसभा सत्र से कोई लेना देना था नहीं, पर चलिए आप इसे बीच में ले आए। पर हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सत्र चल रहा है सर, विपक्ष सत्र चलने दे और आप जनता के हितों के मुद्दे उठाएं और उन पर प्रस्ताव लेकर आए, हम तो यही उम्मीद करेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी को इसी के साथ उत्तराखंड में एक और बड़ा झटका लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कमान संभालने वाले दीपक बाली ने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी का सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियाल थे और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन पहले ही कर ली। चुनाव में हार के बाद कोठियाल हालांकि काफी निष्क्रिय पड़ गए थे। इसके बाद 29 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पैर जमाने शुरू किए हैं, तब से आम आदमी पार्टी से धीरे धीरे हजारों कार्यकर्ता और दर्जनों पदाधिकारी खिसक चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी बाली के आने से गदगद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को दीपक बाली ने एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, इस पर आपका क्या कहना है? दीपक बाली जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, 2 साल तक हमने उनके साथ काम किया। आज दीपक जी अगर बीजेपी में जाना गए हैं तो हम उसके लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। 2 साल तक दीपक जी ने जो भी कार्य आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए किए उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। दीपक जी को आम आदमी पार्टी ने कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले पूरी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की बागडोर दीपक बाली जी के हाथ में दे दी गई थी। मैं नहीं समझती कि पार्टी इससे ज़्यादा और कुछ उनको दे सकती थी, लेकिन दीपक बाली जी ने, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ किया और आज बीजेपी में छलांग लगा दी। मैं उनको वहाँ भी उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सर, आज आप भाजपा की सदस्यता भाजपा में ज्वाइन किए हैं, सर क्या वजह रही कि आपको भाजपा पार्टी में शामिल होना पड़ा और भाजपा में आपको किन दायित्वों का निर्वहन करने दिया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि असली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर देखा जाए और हमारे यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड की जनता के हितों पर जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता था कि उनके साथ हमें भी उत्तराखंड की भलाई के लिए सहयोग करना चाहिए, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी को इसी के साथ उत्तराखंड में एक और बड़ा झटका लगा है। करीब डेढ़ महीने पहले ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कमान संभालने वाले दीपक बाली ने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी का सीएम चेहरा कर्नल कोठियाल थे। कोठियाल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में हार के बाद कोठियाल निष्क्रिय पड़ गए थे। इसके बाद 29 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पैर जमाने शुरू किए हैं, तब से आम आदमी पार्टी से धीरे धीरे हजारों कार्यकर्ता और दर्जनों पदाधिकारी खिसक चुके हैं। एक तरफ बीजेपी बाली के आने से जहां गदगद है, वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को दीपक बाली ने एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया है। चलिए, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस मसले पर भी अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजू जी, अब शुरुआत आप ही के साथ होगी। सर, आपने जब से कदम रखा है उत्तराखंड में, तब से एक एक करके या तो आपके कार्यकर्ता खिसक जाते हैं या पदाधिकारी खिसक जाते हैं। अब तो प्रदेश अध्यक्ष चले गए सर, पहले सीएम का फेस गया और अब प्रदेश अध्यक्ष चले गए। क्या आपकी पार्टी उत्तराखंड में कमजोर होती जा रही है? जो लोग केवल
स्वार्थवादी या राजनीतिक लाभ की मंशा से आम आदमी पार्टी में आए, वो सभी लोग एक एक करके चले गए और आगे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आने वाले समय में ऐसे लोग नहीं आएंगे या नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का मतलब है संघर्ष की राह, और संघर्ष की राह में चलना हर एक की बड़ी बात है। दीपक बाली जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है, आम आदमी पार्टी ने उनको सम्मान देने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले उनको कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, टिकट दिया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया। लेकिन वो हो सकता है उनके कुछ निजी स्वार्थ हो, निजी हित हो, जिसकी वजह से, या कुछ कमजोरियां हो, ये भी हो सकता है कि किसी कमजोरी की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी कई लोग जा सकते हैं। नहीं, ये कमियां, स्वार्थ, जिन शब्दों का आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको तब महसूस नहीं हुआ जब वो आपकी पार्टी में थे? यानी कि जब तक किसी की पार्टी में कोई नेता रहता है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी को छोड़कर जाने का फैसला ले ले या किसी और पार्टी में चला जाए तो उसे स्वार्थी करार दिया जाता है, या जो आप कहना चाह रहे हैं कि कमियां हैं, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो डर के मारे वहां चले गए, तो इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी जाती है। लेकिन पार्टी में कोई कमी नहीं होती, हमें ये नहीं दिखता कि हम अपने संगठन को एकजुट रखने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान होता है सर, बहुत आसान होता है दूसरों में कमियां निकालना। अरे आप ये बताइए ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहां कमी रही? जिस व्यक्ति को हमने आम आदमी पार्टी के, ये एक इकलौता शख्स नहीं है ना, चुनावों के समय में ही कितने कार्यकर्ता आपका साथ छोड़कर चले गए थे, अब सबके सब बीजेपी में तो नहीं गए? सबके सब में कमी तो नहीं हो सकती है सर, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। चुनाव में तो लोग जाते हैं, चुनाव तो वो समय ऐसा होता है कि जिन लोग टिकट की मंशा से आते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ना, कांग्रेस से भी गए, भाजपा से, तमाम राजनीतिक दलों से जब चुनाव होते हैं तो लोग छिटकते हैं, आते ही टिकट की मंशा से, जिनकी मंशा पूरी नहीं होती टिकट की वो जाते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से कर्नल कोटियाल और उसके बाद ये दीपक बाली जी गए, तो लगता है कहीं ना कहीं कि ये लोग पद लेने के लिए आते हैं, यानी कि एक बड़ा पद। अगर दीपक बाली जी आज से डेढ़ महीने तो पहले आपको क्या तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में कर्नल अजय कोठियाल को कौन सा पद दे दिया गया, या फिर दीपक बाली को अब कौन सा पद दे दिया जाएगा, ये भी बताएं। पद देखिए, पद तो आम आदमी पार्टी ने दिया उनको, और बहुत बड़ा पद दिया। हाँ, उनको या तो कोई दबी फाइल होगी वो बच जाएगी, या कोई बड़ा टेंडर दे दिया जाएगा, कोई काम दे दिया जाएगा, ये दो ही चीजें मिलेंगी वहां उनको। वहां राजनीतिक कद जो हमने दिया वो तो संभव नहीं है। संजीव जी, लोगों को डराते हैं क्या आप कि आपकी कोई दबी हुई फाइल निकाल लेंगे हम? और दीपक बाली के आपकी पार्टी में आने से आपको ऐसा कौन सा बड़ा फायदा हो रहा है कि उनकी दबी हुई फाइलें निकालने के लिए आप तैयार हो गए? वर्मा साहब बताएं, बताएं। पल्लवी जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी का एक चरित्र है, जब तक लोग इनके यहाँ रहते हैं तब तक ये उनसे बढ़िया इनके लिए कोई होता नहीं है, और जैसे ही वो लोग इनकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो ये तमाम उनके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, उनके व्यवहार और उनके व्यक्तित्व के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। जैसे तमाम बिछुड़े सभी बारी बारी, अभी कुछ ही दिनों पहले आपके जो सीएम चेहरा थे कर्नल कोठियाल जी, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर मैं बड़ी घुटन महसूस कर रहा था, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को का जो एक नैरेटिव मैं लेके इसके अंदर एंटर हुआ, लेकिन जब मैंने बाद में उसके अंदर की चीजों को मैं ऑब्जर्व करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक गलत दल चुन लिया, और मैंने उस चीज का संज्ञान लेते हुए पार्टी को छोड़ने का काम किया, और एक राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कर्नल कोठियाल जी सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने कहा मैंने मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होते हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी सोच है उससे प्रभावित होते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया, इसमें शामिल हुआ। और अब रही बात आपके जो प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री बाली जी की,
तो श्री बाली जी आज आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने भी यही बयान दिया है कि मैंने आम आदमी पार्टी के अंदर मैं एक घुटन महसूस कर रहा था और आम आदमी पार्टी की जो एक इनके काम करने का जो एक समाज के अंदर ये लोग भ्रम फैलाते हैं और जिस तरह से राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने का ये लोग काम करते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी जो पाकिस्तान में एक मंदिर के ऊपर हमला हुआ और एक हिंदू महिला के साथ जो अभद्रता और अत्याचार हुआ उसको लेकर आपकी जो पार्टी के मुखिया श्री केजरीवाल जी उन्होंने एक शब्द भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया न देना और सबकी तुष्टिकरण यदि कहीं बात आती है तो एकदम से मुखर हो जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आप तुष्टिकरण को हवा देने वाली एक पार्टी है और इन सारी चीजों से आजिज होते हुए मैंने आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी ताकतों का को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो युवा नेतृत्व है जो एक विकास परक सोच लिए हुए है उनकी विकास परक सोच को और आगे बढ़ाते हुए उसके ऊपर विश्वास करते हुए और मैं भारतीय जनता पार्टी को और कैसे और अधिक मजबूती दे सकता हूँ, अपने क्षेत्रों में और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात क्या कही, उन्होंने बड़ी बात ये कही कि मेरे को कोई पद का कोई लालच नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिपाही बनकर आया हूँ। तो ये सिपाही आपकी पार्टी में क्यों आते हैं सर, ये सारे सिपाहियों को आप ही की सेना क्यों नजर आती है ये बताएं। पल्लवी जी देखिए ना, स्पष्ट है हम लोग विकास परक पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारी सोच राष्ट्रवादी सोच है, हम लोग धरातल पे किसी की राष्ट्रवादी सोच नहीं है। भास्कर जी चलिए ठीक है लौट रही हूँ सर जी आपके पास। भास्कर जी का रुख कर लेते हैं। भास्कर जी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है मैडम। बताइए चुग साहब, ये जो भी पार्टी से नेता निकलते हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है कि बड़ा आकर्षित करती है बीजेपी नेताओं को? बिल्कुल ये असल में इसको तीन तरीके से हमें समझना पड़ेगा चीज को। हम अगर देखें तो 2012 में जो अन्ना आंदोलन के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी थी वो थी हिट एंड रन। उस समय उन्होंने नितिन गडकरी जी पर, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के जेटली जी पर बहुत बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगा दिए थे कि आपने ये घोटाला किया, आपने ये भ्रष्टाचार किया, आपने ये किया, जिसमें एक सूजी घोटाला भी था अगर आपको याद हो। सूजी घोटाला जब कोर्ट में जाता है तो खड़ा ही नहीं हो पाता और सूजी घोटाले को कोर्ट ने ये कह दिया कि ये घोटाला ही नहीं हुआ, विनोद राय वाला जो घोटाला था। उसके बाद केजरीवाल जी ने तमाम उन नेताओं से लिखित माफियां मांगी जब उनसे मानहानी के मुकदमे हुए, जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे, चाहे वो नितिन गडकरी हो चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता हो, सबसे उन्होंने माफियां मांगी लिखित में। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए जो दूसरी बात है, मैं तारीफ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीका आता है अपना विपक्ष खुद चुनने का। चुनाव के टाइम पे लोग भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज थे वो लोग कहीं कांग्रेस को वोट ना दे दें, इस प्रयास में कर्नल अजय कोटियाल जी को और दीपक बाली जी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया था। आम आदमी पार्टी ने अजय कोटियाल को सामने रख के बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ने की यहाँ कोशिश की और भाजपा से नाराज वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की, कांग्रेस की तरफ ना जाए और ये आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए। और आज आप देख लीजिए, वही दो लोग हम पहले से कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और यह आज साबित हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के जो मुख्य कमांडर हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। चुनाव के टाइम पे आज के अखबारों में भी आवाज छपी है और पोर्टलों में भी हमने देखा है कि दीपक बाली जी के कुछ
रिश्तेदारों के घर पे ईडी और सीबीआई के लोग भी गए थे, तो ये बात भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से उनको आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया और उसके बाद फिर उनका वहां यूज किया और अब उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए और अब उनको वहां पे वो खुश भी कर देंगे। लेकिन इस चक्कर में हमारे बेचारे कांग्रेस के इकट्ठे व्यक्ति थे जोर सिंह बिज जी, उनका कैरियर इन्होंने जरूर खराब कर दिया। बताएं राजू मौर्य जी, एक बार फिर से आरोप लग गया आप पर कि आप बी टीम बनकर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, मैं बारी बारी अपने दोनों मित्रों की बातों का जवाब दूंगा जी। अभी कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, कुछ लोग आए आम आदमी पार्टी में जो वापस भाजपा में चले गए। जी जी, क्या कांग्रेस में भाजपा से लोग नहीं आए? क्या यशपाल आर्य भाजपा में नहीं गए हुए थे और बी टीम की तरह काम करके फिर ए टीम बी टीम करके वापस कांग्रेस में आ गए? क्या हरक सिंह रावत जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री नहीं रहे और वापस फिर कांग्रेस में आ गए? यानी कि कितने लोग भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, यानी कि सरकार में मुख्यमंत्री बदलता है, मंत्री वही होते हैं, तो यानी लग, लेकिन वो बी टीम नहीं है, वो ए टीम बी टीम नहीं है। हाँ, कुछ लोग आए आम आदमी पार्टी में राजनीतिक मंशाएं लेकर के, कुछ बड़े सपने लेकर के, और उनके पूरे नहीं हुए तो ठीक है, हो सकता है ईडी का डर, हो सकता है सीबीआई का डर, या बहुत बड़ा कोई टेंडर दे दिया होगा, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को पहले आपने अपनी पार्टी में क्यों रखा? अगर आपको ये लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया, तो ये तो आपको जानकारी होगी ना कि किस तरह के कांड इन लोगों ने कर रखे हैं, उसके बाद भी आप इन्हें अपनी पार्टी में लेकर बैठे हुए थे इतने समय से। ऐसा है ना मैडम, कि किसी के दिल में या किसी के घर के अंदर छुपी फाइलों को सीबीआई ईडी हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ बैठ कर अभी क्यों आप इस तरह की संभावनाएं गढ़ रहे हैं सर, जब आपको पता ही नहीं है तो संभावनाएं क्यों गढ़ रहे हैं आप? आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं दीपक बाली पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे मित्र ने भी कहा कि ईडी उनके किसी रिश्तेदारों के छापे पड़े, मैं उस बात पर कह रहा हूँ कि हो सकता है उस डर को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने शामिल करा लिया हो। चलिए ठीक है, मैं पूरी बात सुनूंगी सर आपकी, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजू जी आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए। अब जी, अब मैं अपने बड़े भाई वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति जब तक आम आदमी पार्टी में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सारी कमियां नजर आने लगती है, वो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। विजय भोगड़ा, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये दुनिया के सबसे बेकार लोग हुआ करते थे, सबसे भ्रष्ट लोग हुआ करते थे जब ये कांग्रेस में थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, तो आज सबसे ईमानदार, सबसे पाक साफ ये लोग हो गए। तो क्या ये चीज भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होती? दूसरी बात जो कर्नल कोठियाल जी के बारे में कही, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने एक लाइव इंटरव्यू में कहा था, काय का शौर्य चक्र, काय का ये चक्र, काय का फौजी, इनकी फाइलें दबी हुई है केदारनाथ पुनर्निर्माण की, अगर हमने खोल दी तो बवाल हो जाएगा। ये गणेश जोशी जी के का इंटरव्यू है। तो तब वो सैनिक नहीं थे, आज उनका बड़ा सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तब क्या था? और जो एक बात कही कि दीपक बाली जी को बड़ी पीड़ा हुई पाकिस्तान में मंदिर पर आक्रमण हुआ या मंदिर तोड़ा गया, तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने 250 से ज्यादा मंदिर उत्तराखंड में तोड़े। नारायण बगड़ में बीच रस्ते में प्राचीन हनुमान मंदिर था, तोड़ दिया। कैलाश हॉस्पिटल के सामने शीतला माता मंदिर है, आधा तोड़ के आधा छोड़ दिया। कारगी चौक पर शिव मंदिर तोड़ के साफ कर दिया बिल्कुल। रेस कोर्स चौक पे प्राचीन शिव मंदिर था बन्नू स्कूल के सामने, उसकी ईंट भी नहीं छोड़ी। इतना प्राचीन मंदिर, इतना विशाल मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साफ कर दिया। आज तक हिंदुस्तान में मंदिर जरूर टूटे लेकिन वो शिफ्ट हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि मंदिर तोड़े गए लेकिन शिफ्ट नहीं किए गए, उसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, तब पीड़ा नहीं हुई। यानी कि 250 मंदिर तोड़ने वालों की पीड़ा नहीं हुई और एक मंदिर कहीं पाकिस्तान दूसरे देश में तोड़ दिया और उस पर केजरीवाल जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या केजरीवाल जी पूछकर स्टेटमेंट देंगे? केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए पार्टी छोड़ दी, ये कोई हजम होने वाली बात नहीं है मैडम। ये अपने आप में सवालों के घेरे में अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। उन्हें मानना चाहिए कि ठीक है मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है,
मेरा विचार नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ, वो स्वतंत्र है, लेकिन उनको इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इतना कहना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, बार बार वही घूम फिर कर बात आ रही है सर, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं आप, फाइलें जो उनकी दबी हुई है वो निकालने के लिए कहा जाता है और इसलिए डर के मारे आपके यहाँ जाते हैं ये। पल्लवी जी, बड़ी बड़ा हास्यास्पद सा विषय है ये लोग पता नहीं किस तरह से एक इन लोगों ने अपना माइंड सेट कर रखा है कि कहीं भी बात आती है तो अपना वही फाइलें। अरे आप इतने भयभीत क्यों हैं? भ्रष्टाचार की जननी से उत्पन्न हुई कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को तो सपने में भी ईडी दिखती है, सपने में भी आपको सीबीआई दिखती है। आप लोग इतने पाक साफ है, इतने दूर के धुले हुए हैं, तो आपको ईडी का किस बात का डर है भाई? आपको सीबीआई का किस बात का डर है? देखिए पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो होता है उसको कोई लेना देना नहीं होता है। वो ना पुलिस उसका कुछ अहित करती है, ना वो पुलिस से डरता है। डरता कौन है? जो अपराधी होता है। इसी तरह से आज कांग्रेस पार्टी भी ईडी से भयभीत है, सीबीआई से भयभीत है, और जो इनकम टैक्स से भयभीत है, क्योंकि इन लोगों के जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार से अकूत दौलत इन लोगों ने कमा रखी है, आज उन भ्रष्टाचारों के खुलने का वक्त आ गया है। वो भ्रष्टाचार खुलने लगे हैं और इनके जो तमाम बड़े नेता हैं, उनके ऊपर जो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए। और मैंने बार बार एक बात को बोला कि चोर मचाए चोर, कि उसी पैटर्न से कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है और पाक साफ बनने की एक नाकाम ये लोग कोशिश करते हैं, जो जनता को पूरी तरह से मालूम है कि इनका स्याह चेहरा उसके पीछे छुपा हुआ, इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, ये लोग दुनिया जहान के पाक पवित्र लोग आप ही की पार्टी में बैठे हैं ना संजीव जी, दुनिया जहान के साफ सुथरे एकदम सफेद पोश आप ही की पार्टी में हैं। पल्लवी जी देखिए, या कोई वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हैं आप जिसमें धो धोकर निकालते हैं अपने नेताओं को? पल्लवी जी देखिए, 2014 से पहले जब यूपीए सरकार थी, तमाम जो भ्रष्टाचार के रोजाना अखबारों की सुर्खियां बनते थे, आज ये घोटाला हुआ। 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब अखबारों की सुर्खियां बनती है, आज ये नई टनल बनी है, आज ये एक्चुअली सर घोटाले हो रहे हैं, बात आपने एकदम सही की। अब सुर्खियां जो है वो बदल गई हैं, अखबारों की हेडलाइन जो है वो बदल गई हैं, क्योंकि इन घोटालों से ज्यादा बड़े मुद्दे लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। मंदिर टूट गया, मस्जिद पर हमला कर दिया, रामनवमी में पत्थरबाजी कर दी, अब ऐसे मसले लेकर आए जा रहे हैं ना सर। अब बताए क्या करें, देश जल रहा है, वो हेडलाइन बनाए या ये हेडलाइन बनाए कि कहां घोटाला हो रहा है? हवा देने का काम कौन करता है आप बताए? भास्कर जीकरण को हवा देने का काम कौन करता है? ठीक है, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी सर वो मैटर बहुत अलग है और उस पर चर्चा बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी सर, बहस भी मतलब में डाइवर्ट हो रही है। भास्कर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से सुन लीजिए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां तक आपने बात करी, मैं उस बात को एक लाइन में खत्म करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। दुनिया में तीन विचारधाराएं हैं, वामपंथी, मध्यम मार्गी और दक्षिणपंथी। आम आदमी पार्टी में दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग भी हैं और मध्यम मार्गी विचारधारा के लोग भी हैं। विचारधारा ना होने की वजह से यह पार्टी पनप नहीं पाती, ये तो आम आदमी पार्टी की बात मैंने खत्म कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की जननी जिसको बताया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी पार्टी थी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। कश्मीर की आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी?
कुलदीप सेंगर बलात्कारी हत्यारे के समर्थन में तिरंगा यात्रा किसने निकाली थी? यासीन मलिक को किसने पाला था? यासीन मलिक को किसने पाला? आज तक यासीन मलिक को किसने पाला? पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर किसने दिए? पत्थर किसने दिए? नकली नोटों का चलन किसने किया? इमरजेंसी किसने देश को इमरजेंसी में किसने झोंका? सिख दंगे किसने करवाए? 84 के सिख दंगे किसने करवाए? सिख किस मुख्यमंत्री को दी थी? कौन सा बड़ा राजनेता ऐसा है जो तड़ी पार किया था कोर्ट ने? एक राज्य से मैं जानना चाहता हूँ। ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को ओसामा जी बोलने वाले आपके दिग्विजय सिंह, ये चरित्र है आपका, ये चरित्र है आपका। आप आतंकवादियों को पालने का काम आप लोग करते हैं, देश की सेनाओं का मनोबल डाउन करने का आप लोग काम करते हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? कहाँ से कहाँ पहुँचा दी बात। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं तो बस यही जानना चाह रही थी कि ये जो दुनिया जहान के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, और आम आदमी पार्टी से मेरा ये सवाल था कि क्या उत्तराखंड में आप अपने संगठन को एकजुट नहीं कर पा रहे, और दोनों ने ही अपने अपने जवाब दे दिए। चलिए आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।